नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NITB, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। फेस टू फेस में आज भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार की सख्ती पर बात होगी। फर्जीवाड़े पर भी योगी सरकार का रुख सख्त है। इसी का नतीजा है कि रामपुर के राजा सलाखों के पीछे हैं। जी हां, बात आजम खान की हो रही है। आजम पर कानून का प्रहार ऐसा हुआ कि वो लाचार दिखाई दिए, क्योंकि इससे पहले आजम को कोर्ट समन भेजता रहा, पेश होने के लिए कहता रहा, लेकिन आजम और उनका पूरा परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा। जब कोर्ट नहीं पहुंचा परिवार, तो कुर्की का आदेश हुआ और कुर्की के बाद तुरंत कोर्ट पहुंचे आजम साहब परिवार के साथ और कोर्ट ने भेज दिया जेल। लेकिन अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी बदले की भावना से हुई कार्रवाई से बता रही है। अखिलेश यादव सीतापुर जेल पहुंचे, आजम खान परिवार से मुलाकात की, बाहर आए तो आजम को फंसाने वाली बात कही, कहा राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए आजम खान। इसी बदले वाली भावना वाली सियासत पर होगा आज फेस टू फेस का कार्यक्रम। अभिनव जैन बीजेपी से होंगे तो अरविंद कठेरिया समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है। पहले रिपोर्ट। एक साइड हो जाओ। तो अरे पीछे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 7 दिन की न्यायिक हिरासत आपको देखा। सीतापुर जेल आपको क्यों शिफ्ट किया गया है? सीतापुर जेल रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। क्या सरकार का निर्णय? बेटे को कहा पूरा परिवार कहाँ? आजम साहब को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जब से सरकार आई है, लगातार आजम साहब को अपमानित करने का काम कर रही है। आजम परिवार पर चल रहे तमाम मुकदमों में अदालत ने आजम को तलब किया, लेकिन रामपुर वाले आजम खान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि ना तो पत्नी अदालत पहुंची और ना तो बेटा अब्दुल्ला आजम अदालत में पेश हुआ। कोर्ट का कुर्की का आदेश हुआ तो आजम सपरिवार अदालत में पहुंचे और उसके बाद अदालत ने आजम को सपरिवार जेल भेज दिया। आजम के जेल जाने के बाद कैसे सियासत रंग दिखा रही है, एक ट्वीट के जरिए समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी बदले की भावना से किसी भी कार्रवाई को उचित नहीं मानती है। राग द्वेष से सरकारें काम नहीं कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी भी न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करती है। अदालत पर विश्वास है और न्याय मिलेगा। एक तरफ आजम की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी साजिशन फंसाने का आरोप लगा रही है, तो रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट होते होते आजम ने सवाल के जवाब में क्या कहा, पहले वो भी देख लीजिए। एक साइड हो जाओ। तो बताएं। अरे पीछे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 7 दिन की न्यायिक हिरासत आपको देखा। सीतापुर जेल आपको क्यों शिफ्ट किया गया है? सीतापुर जेल रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। क्या सरकार का निर्णय? बेटे को परिवार पूरा परिवार कहाँ? उधर आजम के जेल जाने पर सपा के नरेश ने कहा कानून का पालन होगा, लेकिन सरकार और बीजेपी आजम खान को साजिश के चक्रव्यूह में फंसा रही है। आजम साहब को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जब से सरकार आई है, लगातार आजम साहब को अपमानित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनको, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगवाया है। जानबूझ करके आरोप लगाया है कि आजम साहब की छवि को खराब किया जाए, लेकिन आजम साहब कानून को मानने वाले नेता हैं, इसलिए उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए आज जो वहां पर हाजिर हुए हैं, निश्चित रूप से वो कानून मानी आजम साहब को न्याय देगा, यह हमें पूरा भरोसा है। बीजेपी ने झट कहा कानून तोड़ने वाले, जिस पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का आरोप है। आजम को जेल बीजेपी ने नहीं, अदालत ने भेजा है। आजम की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से खुद के लिए थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार की राजनीति थी, गरीबों के शोषण की राजनीति थी। आज माननीय जिला और सत्र न्यायालय ने वहाँ ये निर्णय दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, उनको जेल भेजाएं। अखिलेश यादव इस पर जवाब दें कि उनके पास में किस तरीके के लोगों की राजनीति है, किस तरीके के लोगों के साथ वो राजनीति करते हैं, और आज के निर्णय का हम भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हैं। आजम जेल में है
लेकिन समाजवादी पार्टी आजम के जेल जाने के पीछे बीजेपी और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। बदले की भावना से कार्रवाई होने की बात कर रही है, लेकिन एक बात तो सुलह आने सच है कि आजम खान को जेल अदालत के फैसले से जाना पड़ा। रामपुर से फहीम खान, लखनऊ से गगन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आर9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आजम खान सपरिवार जेल में है। पहले रामपुर में थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल शिफ्ट किए गए। सीतापुर जेल में मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और मुलाकात भी की। मुलाकात करके जब बाहर निकल कर आए, उन्होंने क्या कहा साजिश को लेकर, राजनीतिक साजिश को लेकर, वो आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। रमानंद भाई आइडिया दबाया, बीजेपी का ऊपर से बहुत टाइट कर क्या, जिसने शिकायत की वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को डिनाय करेगी? क्या चर्चा की? क्या उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है? रमानंद भाई आइडिया दबाया, बीजेपी का ऊपर से बहुत टाइट कर क्या, जिसने शिकायत की वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, उधर रामपुर से खबर आई। सपा सांसद आजम खान को 8 मुकदमों में राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी है। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े ये 8 मामले थे। क्या कुछ वकील ने कहा, दिखा रहे हैं आपको। 8 केसेस में बेल एप्लीकेशन उनकी पेश की गई थी सुनवाई के लिए। उस पर बहस करने के बाद उन 8ों की 8ों बेल एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया और एक एप्लीकेशन हमने दी थी, वो इस बात के लिए दी थी कि अदालत को भी ये बात पता नहीं और स्टेट काउंसिल ने भी इस बात को मान लिया कि उनको ये बात नहीं पता है कानूनी तौर पे कि एक्यूज जो कस्टडी में थे तीनों वो कहाँ हैं। बाकी मीडिया से, बाकी दूसरे ज़राए से ये बात पता चल रही है, लेकिन अदालत को ये बात नहीं बताई गई और वो कहाँ हैं। उस सिलसिले में हमने एक एप्लीकेशन मूव की है, तो उस पर कल रिपोर्ट आ जाएगी। तो आजम खान को जेल और उसके बाद सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। इसी को लेकर आज फेस टू फेस हमारे साथ दो मेहमान, अभिनव जैन बीजेपी से हैं और अरविंद कठेरिया साहब समाजवादी पार्टी से। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, और ये फैसला अदालत का था ये कहकर कि राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया आजम खान को, यह कहकर अदालत के उस फैसले की अवहेलना नहीं है, अपमान नहीं है? पंकज जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी एक मुखिया के रूप में हैं और उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक पिता तुल्य है। मेरा ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो तो उसकी शक्ति का पूरा केंद्र प्रदेश का सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तभी से आदरणीय आजम खान के साहब के पास 88 मुकदमे कर दिए गए हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। मैंने कक्षा 6 में एक श्लोक पढ़ा था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खालस साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय चारा चढ़ाए। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमान लोग, जो होशियार लोग होते हैं, उनकी ताकत दूसरों के भलाई के लिए होती है और ज्ञान उनका दूसरों को शिक्षा देने के लिए होता है। मैं आदरणीय योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल इस उत्तर प्रदेश की जनता के गरीबी हटाने के लिए और दुखी महिलाओं को दुख दूर करने के लिए और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक व्यक्ति ऊपर फोकस करना चाहिए। कठेरिया जी का ये आरोप, और अखिलेश यादव भी जब आजम खान के परिवार से जेल में मुलाकात की बात बाहर आए, उन्होंने भी यही बात कही। जब कल गिरफ्तारी हुई तो नरेश उत्तम लखनऊ में थे, उन्होंने भी यही बात बोली। लेकिन फैसला तो अदालत का था, इसे कैसे समाजवादी पार्टी समझेगी और क्यों ये बार बार बदले की भावना, षड्यंत्र, शिकार, इस तरह के शब्द हो रहे हैं, आ रहे हैं? देखिए, एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर एक जो है पॉलिटिकल आदमी लिप्त है, ये अपने आप में बहुत ही शर्म और दुख की बात है।
एक ईमानदार सरकार अगर ऐसे करप्ट आदमी के खिलाफ, जो कि पहले से ही एक सुशासन के लिए वचनबद्ध है और उसके अंदर प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई करता है, वहां की जनता, रामपुर की और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता उनके ऊपर इल्जाम लगाती है और कोर्ट उसको जो है निरीक्षण कर उसके ऊपर अपना फैसला देता है, तो ऐसे के अंदर योगी जी के सामने गुहार लगाना चाहते क्या है? चाहते ये है कि क्राइम करें और योगी जी छोड़ दें इनको? क्या योगी जी सरकार इसीलिए आई थी कि आपस में बैट बॉल इस तरह से खेलना है, टीम बनानी है? सुशासन के प्रति वचनबद्ध है योगी सरकार। जो भी आदमी हो, चाहे आम हो चाहे खास हो, अगर वो कोई भी गलत काम करेगा, आपराधिक गतिविधियों में लीन रहेगा, तो ये तय है कि उसको जेल जाना पड़ेगा और वो जेल जाएगा। कठेरिया जी, फोन बंद कीजिएगा थोड़ी देर के लिए और जवाब दीजिएगा। अभिनव जी, जब किसी प्रदेश में कोई राजनीतिक व्यक्ति बड़ी हस्ती रखता है जिसके फॉलोवर्स लाखों और करोड़ों में है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाकर मुकदमा कायम करना मेरा मानना है, तो न्यायपालिका नहीं है, कम से कम न्यायपालिका नहीं है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से न्यायपालिका होनी चाहिए। और यदि उसमें न्यायपालिका जांच कर रही है, उसमें दोषी पाए जाते हैं, आप न्यायपालिका, आपको न्यायपालिका के अंदर विश्वास नहीं है, मिलना चाहिए। आप मेरा मानना है, आप बात बताइए, उत्तर प्रदेश न्यायपालिका माननीय न्यायालय में विश्वास रखता हूँ, न्यायपालिका के साथ अंतोगत्वा न्याय होगा, जेल भेज रही है, देख लेना, तो आप प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, आप प्रोटेस्ट करेंगे? मैं आप उनको, आप न्यायपालिका के खिलाफ आप सड़क पर उतरेंगे? मुकदमों का डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, उनके ऊपर बकरी का चोरी का मुकदमा, एक उनका फार्म हाउस था, बिजली चोरी का मुकदमा, सरकारी बिल्डिंग थी उसको खाली कराए जाने का मुकदमा, झुग्गी, आज के दसों साल पहले सरकार थी तो झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ी गई थी, उनके झुग्गी झोपड़ी खाली कराने का मुकदमा, भैंस चोरी का मुकदमा, बकरी चोरी का मुकदमा, आखिरकार क्या है? बड़े शर्म की बात है, क्या बड़े शर्म की बात है? क्या आप मुकदमा कायम करके ग्रीन बुक में नाम लिखवाना चाहते हैं? आप अपनी बात कह रहे हैं, अगर ऐसे मुकदमे एक राजनीतिक नेता के खिलाफ है, बड़े शर्म की बात है। माध्यम से आपके नेता बकरी चोर, आपके नेता किताब चोर। कठेरिया जी, आज आज कौन से वाले मामले पर अदालत में आजम खान के सलाखों के पीछे सपरिवार भेज दिया? उस मामले का जिक्र नहीं किया आपने। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? आप ये बताइए कि उन्होंने जो किताबों का जो किताबों की चोरी का मुकदमा उनके ऊपर है, उसके बारे में आप जरा डिस्क्रिप्शन करें, मुझे समझाएं कि उनके घर से हजारों लाखों जो किताबें चोरी हुई जिस पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की स्टैंप है, वो उनके घर से मिली है? आप देखिए कितने शर्म की बात है। अभिनव जी, आप किताबें चोरी, आप बच्चों को जो जीवन जो की पढ़ाई से लिंक्ड काम है, उस किताबों को आप चोरी करवा रहे हैं? आज मेरे और आप न्यायपालिका उसको जांच करके उनको जेल भेज रही है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो है ये षड्यंत्र है? आज मेरे घर पे आप छापा डाल दीजिए, आपको मेरे घर में कम से कम 50 बुक्स दूसरे विश्वविद्यालय की मिलेंगी। वो कैसे मिलती है? स्टैंप लगी हुई इंदिरापुरम लाइब्रेरी पे, लाइब्रेरी पे इशू हुई। आप किसी भी कबाड़ी वाले के यहाँ चले जाइए, जिसके खिलाफ बहुत सारे, जिसके खिलाफ जिस किताबें होती हैं, आप एक बात बताइए, फेंक दी जाती हैं इन किताबों के खिलाफ। सुनिए, उसको बुद्धिमान लोग किताबें खरीदते हैं। मैं आप खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के संविधान निर्माता, ये वो किताबें हैं बाबा साहब जिनको चोरी होने की रिपोर्ट, जिनकी चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई है, उस भोजन के पैसे से खाना ना खाके जिनकी चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। अपने घर में, अगर आपके घर में या किसी के घर में भी आपको बता देना चोरी की हुई किताबें मिलेंगी, तो आप उससे, आप उसकी जो है उसकी तरफदारी करेंगे? चलिए, एक सवाल छूट जाएगा कठेरिया जी, ये किताबों से शर्म की बात है। कठेरिया जी, अगर कोई कबाड़ी वाले के यहाँ किताब पड़ी हुई, चलिए दो पैन कार्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? रिपोर्ट लिखवाई गई है, फर्जी पासपोर्ट वाला मामला कैसे आया? वो आपके घर में मिलेगी? प्रमाण पत्र का क्या है खेल? आपके घर में मिलेगी? बताइए ना, चोरी की किताब मिलेगी आपके घर में? चोरी किताब की आप तरफदारी करेंगे? मुझे दुख होता है साहब कि जो किताबों से थोड़ा हटकर जिस मामले पर अदालत ने सजा सुनाई है, उस मामले पर भी तो गौर फरमाइए आप। देखिए, क्यों केवल सियासत करने के लिए या विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाता अंदर कठेरिया साहब, कौन सम्मान इतनी जो है? अगर आप ईमानदार हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात, अगर आप ईमानदार हैं तो कोर्ट से बरी होंगे कठेरिया साहब। हाँ, ये मामला सही है, आप उसके बारे में भी बात कीजिए ना। दो पैन कार्ड, वो पासपोर्ट वाला खेल क्या है, जन प्रमाण पत्र वाला मामला जिसमें जेल गए वो क्या है, ये भी बोलिए ना। छोड़िए किताबें, छोड़िए बकरी, छोड़िए एक एक के भाई, या तो आप बोल लीजिए फिर। आचार संहिता वाले जो 8 मामले थे, उससे जमानत मिल गई है आपके खिलाफ? इनका भी प्रश्न है,
इनका भी प्रश्न लूं, इसके बाद आपकी प्रश्न का जवाब देता हूं। आपके खिलाफ, आजम खान जी के खिलाफ जी, वहां के किसानों ने उनकी जमीनों को कब्जा करने का, जो कि अभी उन्हीं के नाम है जिसका पैसा नहीं दिया गया, उनको कब्जा करने का आरोप है। देखिए उनके पुत्र के, उनके पुत्र पे दो दो जगह से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का, अलग अलग तारीखों का, इस तरह के छोटे और बड़े अपराध मिलाकर इतने ओछे। अगर आप एक सीट पे पावर पे रहे हैं तो क्या आप जो है दो सर्टिफिकेट बनवाएंगे, दो एच प्रूफ आप लेंगे? चुप रहे हैं, अब जवाब सुनिए। देखिए भारत, जो भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ जब बेटा या बेटी पैदा होती है तो हमारे माननीय पंडित जी होते हैं, एक तो जन्म प्रमाण पत्र वो बनाते हैं, इसके बाद सुविधा के अनुसार कई बार गलतियां हो जाती हैं, व्यक्ति दूसरा जन्म प्रमाण डेट ऑफ बर्थ चेंज करके लिखवा देता है। यदि आपका इरादा नेक नहीं है, आपका इरादा ठीक नहीं है, तो आप उस आधार पर किसी भी व्यक्ति के बच्चे या उस पर दो प्रमाण पत्र की सिद्धि कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो आप माननीय न्यायालय से जांच करवाएं, अगर वो दोषी होगा, दोषी होंगे, सजा मिलेगी, बात खत्म। न्यायालय देखिए, मुझे भारत के न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने गलत किया, गुंडागर्दी सही किया है, आप सड़क पे न्यायालय जांच करेगा और जो तथ्य उसमें सही पाए जाएंगे उसके अनुसार निर्णय दिया जाएगा। साहब यही तो हम भी कह रहे हैं जी, सही पाए गए तो जेल हो गई, आपको मानना चाहिए इस बात को, आप मान भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बाहर आ रहे हैं तो बाहर आके भी कहते हैं आज ये तो देखो राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसे आप, है। मुझे बहुत दुख होता है जिसे आप जेल कह रहे हैं, हाँ। ये उनकी इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए कुर्बानी है, जिस व्यक्ति ने 500 एकड़ में तीसरी बार कुर्बानी दे रहे हैं आजम खान, गरीबों के लिए इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया हो, ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए। मैं महोदय को बताना चाहता हूँ उसी विश्वविद्यालय में जो जमीन की बात करते हैं 10 साल पहले, सुनिए आप अमनव जी सुनिए, पहले मैं जो बोले आज के 10 साल पहले उन्होंने जमीनें लोगों से लिखवाई थी, बताइए 2017 के बाद के सारे मुकदमे हैं, आप उसके पहले कोई भी आप 20 या 10 मुकदमा बता दें तो आपको मान जाऊंगा। आपकी सरकार कभी भी कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता, आपकी सरकार लगातार तो आपकी सरकार ने किया, उसके ऊपर लगातार आपकी पूरी सरकार भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी क्रिमिनल के अंदर लिप्त है। आज सत्ता में आजम खान महबूब अली सत्ता में बैठे, आजम खान महबूब अली को शोभा देता है, जैसे लोग आपकी जो सरकार है उसके अंदर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया आपने आजम खान के खिलाफ, कितनी शर्म की बात है। दिल्ली में आप एक बात बताइए, पासपोर्ट हमारा सुरक्षित, आप पासपोर्ट बनवा लेंगे गलत तारीख देकर, बड़ी बड़ी बात है, पासपोर्ट बनवाएंगे आप, मैं बहुत ही आपके जो आपके नेता है वो पासपोर्ट बनवाएंगे गलत डेट देकर, कहीं नहीं वो औरों की जमीन हड़पेंगे, और आप अगर नेता हैं, आप मंत्री रहे हैं तो आप जमीन हड़पेंगे किसानों की, आप उनको बिना पैसे दिए किसानों की, आप चोरी में लिप्त होंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि अगर न्यायपालिका ने वो आप पे कार्रवाई करी है तो आप गुंडागर्दी मचाते हुए आप सड़कों पे उतरेंगे, आप पूरी गुंडागर्दी करेंगे। इस देश के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बहुत ही सावधानी और समझदारी से काम करना चाहिए। देखिए मेरा मानना है कि राजनीतिक लोगों के ऊपर राजनीतिक मुकदमे कायम किए जाते हैं, अतीक अहमद इसमें कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जो कोई बड़ा किडनैपिंग हाईजैकिंग, तो उसके लिए अदालत है ना कटेरिया साहब, आप क्यों बात को नहीं मान रहे हैं? आप हाईजैकिंग संजय, आप प्लेन में हाईजैक कोई आरोप लगा है, कैसे रह गई है? षड्यंत्र है, उसके लिए अदालत है, अदालत हाईजैकिंग इज्जत बरी कर देगी, हाईजैकिंग भी करी आप माध्यम से, कह देना अब आप हाईजैकिंग समाजवादी पार्टी हाईजैकिंग करेगी, हाईजैकिंग के मुकदमे आप सोचते हैं कि आप पे हो? कटेरिया जी मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज, पहले साइलेंट हो जाना चाहिए था। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ जैन साहब आपके जरिए, एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार में, कटेरे साहब मोबाइल बंद कीजिए, आतंकियों को जेल से रिहा करने का मामला भी तूल पकड़ा, उस दौर में भी ये कहा गया सियासत इस पर बहुत ज्यादा हुई, यानी कि पीछे अपना बैकग्राउंड भी नहीं भूलना चाहिए और आगे भी देखना चाहिए, कल को आप सरकार में आएंगे विपक्ष में कोई और होगा, मैं आपसे वही बात, इस तरीके से आरोप लगाकर आप बच सकते हैं? देखिए इस देश के किसी भी राजनीतिक और शक्तिशाली व्यक्ति को हमेशा सावधानी से काम करना चाहिए, जैसे कि तो आजम खान ने सावधानी से काम किया। अगर उनसे कहीं, देखिए कटेरी साहब, अगर ये एक बात बताइए, अगर आप मानते हैं, आप ये कहते हैं कि कोर्ट का सम्मान अदालत का सम्मान होना चाहिए, होता है और वो कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, और आज वो तारीख पे गए और उन्होंने वहां पर समर्पण किया, मैं उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। जब कोर्ट ने कह दिया घर में ताला लगा दो, कुर्की कर दो, जब्ती कर दो, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सब परिवार कोर्ट में पहुंचे,
कुर्बानी याद रखी जाएगी। उनके ऊपर कोई इस तरह के बड़े मुकदमे नहीं आए, ऐसे उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने जितना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया है जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो शिक्षा का काम किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को इस तरह के दंड नहीं दिए जाने चाहिए। अदालत के फैसले को सियासी रंग क्यों दे रहे हैं आप, ये बताइए ना। आप एक बात बताइए, विश्वविद्यालय बनाया जिसमें चोरी की किताबें, जो कि गरीब जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से जो किताबें खरीदी गई वो उनके व्यक्तिगत विश्वविद्यालय के अंदर रखी जाएंगी। अबनो जी, चोरी का सामान उनके विश्वविद्यालय से निकलेगा। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आप ये बताइए, किताबों की चोरी करके सारा प्रकरण ये केस कोर्ट में है, ये केस कोर्ट में है या नहीं है, ये केस कोर्ट में है या नहीं है, ये केस कोर्ट में है या नहीं है, बिल्कुल आपको न्यायपालिका में, आपको न्यायपालिका में भरोसा है या नहीं है? इस देश के पिता है, इस प्रदेश के पिता की भूमिका में आपके पास पूरी ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप झगड़ा क्यों करना चाहते हैं? मैं आदरणीय योगी जी से निवेदन करूंगा, सड़क पे उतरकर ऐसा ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना क्यों चाहते हैं? गरीब जनता, किसान, मजदूर सड़क पर उतरकर आप दंगाई करेंगे, आप के लिए आपके नेता चोरी करेंगे, जब वो पकड़े जाएंगे, जब कोर्ट अपना डिसीजन लेगा तो आपके कार्यकर्ता दबंगाई करेंगे सड़क पे उतरकर, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? आपके गुंडागर्दी आपके सहन में भी चली, ये माहौल बहुत अच्छा हो चुका है, माहौल शांत हो रहा है। आजम खान को लेकर, रामपुर को लेकर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप गुंडागर्दी करें, कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला ना करे? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कोई पाकिस्तान है क्या? ये हिंदुस्तान है? यहाँ पे इस तरह से होगा? यहाँ पे योगी सरकार है, यहाँ पे मोदी सरकार है, जहाँ मोदी सरकार योगी सरकार है वहाँ पे आपराधिक गतिविधियां नहीं चलेंगी, वहाँ पे कानून का राज होगा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ये आपका ये मुलायम सरकार नहीं है, ये राम गोपाल सरकार नहीं है, ये आजम सरकार नहीं है, जहाँ गुंडागर्दी चलेगी, जहाँ पे लड़कियों का रेप होगा, जहाँ पे उसकी वकालत करी जाएगी, इस तरह के काम नहीं चलेंगे यहाँ पर। ये भाजपा सरकार है, यहाँ पे जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा, न्यायपालिका उसके ऊपर जो उचित निर्णय होगी वो करेगी और सबको इसको मानना पड़ेगा। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी दोष हैं आप अपने दोष स्वयं बता रहे हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं चैनल पे बैठ के। दोष बता रहे हैं समझे? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि साहब हमने बकरी चोरी, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना? आप कह रहे हैं किताब की प्रशंसा, आप कह रहे हैं अगर ये हुआ भी तो उस बकरी पालक से पूछिए ना, किसान से पूछिए, वो कितनी बड़ी बात बनाई है आप लोगों की जमीन, अगर कोई जमीन किसी की जमीन को हत्याना, किसी बड़ी बात नहीं हो सकती है, बात क्या ना, लेकिन उस किसान से पूछिए ना उसकी कीमत क्या है। अरे अगर किसान जो किसान की बात कर रहे हैं वो दसों साल पहले उन्होंने जमीनें लिखवाई थी, देश में अभी कानून जिंदा है और मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ और उन्हें निष्पक्ष जांच होगी। ये बात समझ में नहीं आती, ये न्याय मिलेगा? दोहरा मापदंड, दो नावों पर पैर रखकर चलने वाली बात कठिन ऐसा समझ नहीं आती। एक तरफ आप सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सियासी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। अब अदालत का तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना होता नहीं है, जहां तक हम लोग जानते हैं। मैं तो अदालत को ये कह रहा हूँ कि मैं अदालत का सम्मान करता हूँ। हाँ। और माननीय तो फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जेल हुई तो सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो जेल जाए गए हैं, अभी उसको इनके वकील सुनवाई करेंगे, उनकी उसमें क्या नाम बेल लगेगी और उसके उस पर सर्च किया जाएगा, पूरे जांच होगी, इसके बाद न्याय होगा। जेल जाना कोई बहुत बड़ी, बहुत राजनीतिक लोग जेल जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग बार है, आजम खान तीसरी बार जा रहे हैं, 6 महीना जेल गए, तीसरी बार है ना, कितनी बार है? तीसरी बार है। तो भैया देखिए, वो बड़े व्यक्ति है, बड़े ओहदा के व्यक्ति है, उनके ऊपर मुकदमा लगे हैं और वो हाजिर हुए, वहां गए, ये बहुत बड़ी बात है। जब जेल क्यों जाते हैं? आपके लोगों ने कोर्ट को कुछ समझते नहीं है, कोर्ट में आप इसी पे नहीं जा रहे, उनके समझ पे आप नहीं जा रहे, समझे? राजनीतिक लोगों के ऊपर राजनीतिक मुकदमा लगता है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सियासत आप करिए, लेकिन अदालत को बीच में मत लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजम खान जेल में है, सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है, लेकिन एक तरफ कोर्ट का सम्मान करने की बात कहते सियासतदान दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ सवाल इस तरह से सवाल के चक्रव्यूह में घुमाते हैं उस मामले को। यह कहा दिया जाता है कि षड्यंत्र का शिकार आजम खान हो गए, षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत फंसाया गया, उन पर केस लगाए गए। जाहिर सी बात है, अगर किसी के साथ साजिश होती है
तो कोर्ट कचहरी कानून किस लिए है? बाइज्जत आपको जमानत मिल जाएगी, आपको बरी कर दिया जाएगा। अगर मामला इतना बड़ा है ही नहीं, मामला फर्जी है, लेकिन यहाँ अदालत ने जेल भेजा है, इसलिए मानना पड़ेगा कि आपने कुछ गलत किया होगा। फेस टू फेस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए आनंद टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।